वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बहुत दिन हो गए ब्लॉग को डाला नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं बनाने के लिए। लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर जा नहीं सकते हैं, बाहर कुछ जाएंगे भी क्यों, कुछ काम नहीं है। शो सारे बंद हैं, इवेंट सारे बंद हैं, सब कुछ बंद है। लेकिन आज जा रहे हैं क्योंकि आज एक छोटा सा फंक्शन मिला है म्यूज़िक प्ले करने के लिए पंजाबी बाग में। सो मैं इवेंट का तो कुछ नहीं दिखाऊंगा आपको आज, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल होगा नहीं। बट यस, मैं इस व्लॉग में ये दिखाऊंगा आप लोगों को कि आज मतलब इस बार का जो लॉकडाउन है, जो दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, मतलब वो पिछले लॉकडाउन से जो लास्ट ईयर लगा था 2020 में, उससे कितना अलग है। क्योंकि लास्ट ईयर तो क्या हुआ था, सब कुछ ही बंद हो गया ना। मतलब आपको बाहर जाना है तो कुछ ऑप्शन नहीं है, अलाउड नहीं था जाना बाहर किसी भी पर्पज़ के लिए, अलाउड नहीं था। लेकिन अभी का जो लॉकडाउन है उसमें वैसी चीज़ें नहीं है। मेट्रो भी, मैं आपको बताऊँ, अभी बंद हुई है अराउंड एक हफ्ते पहले। आज तारीख है 11 और मेट्रो भी एक हफ्ते पहले बंद हुई है। और जो लॉकडाउन चल रहा है वो चल रहा है अराउंड एक महीने से। तो ट्रांसपोर्ट कैसा चल रहा है बाहर, अगर आपको जाना है तो पर्पज़ क्या है, आपको रिक्शा मिलती है या ऑटो मिलता है या बस मिलती है या कैब मिलती है, तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और बाहर की सड़कों पे क्या, किस टाइप का माहौल है। पहले जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, बिल्कुल ही खाली हो गया था। तो इस बार का देखते हैं क्या है और मैं व्लॉग में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो आओ फिर चलते हैं। हाँ जी भाजी, आगे बैठना अलाउड नहीं है और एसी भी चलेगा ना। भाजी ऐसा कह रहे हैं मुझे कि अगर आपके पास नहीं है तो शायद कोई रोक सकता है रास्ते में, लेकिन ठीक है, जा रहे हैं तो फिर जब रोकेगा कोई तो देखते हैं। क्योंकि पर्पज़ ही अपना ये है कि भाई क्या हालात हैं बाहर, कि पर देखा जाए कि कितने चांस, मतलब परसेंटेज क्या है, कि अगर मान लो 50 लोग निकल रहे हैं तो कितने लोगों को रोका जा रहा है और किस बेस पे रोका जा रहा है। एंड दूसरी चीज़, माहौल क्या है ना भाजी। लास्ट टाइम क्या होता है, एकदम सड़कें लास्ट ईयर तो बिल्कुल खाली हो गई थी ना, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था ना। तो मैं जरा देख रहा हूँ अभी कि इस बार के लॉकडाउन में ट्रैफिक जो है वो मार्केट में किस टाइप का है। ये भाजी मुझे बोल रहे हैं कि अपना चैनल बताओ मेरे, मतलब प्रमोशन चल रही है। हाँ जी भाजी, आप मेरी वीडियो में कुछ कहना चाहोगे। या मैं सही बताऊँ तो अब तक जो ट्रैफिक देखा है ना मैंने, जो आप लोग देख रहे हो, तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि संडे वाला दिन है। मतलब कोई, और इस सीट पे बैठने के लिए मना किया होगा कि कोई भी यहाँ भी नहीं बैठेगा कैब में, और ना ही एसी आप ऑन कर सकते हो। लो ऑटो भी चल रहे हैं भाई साहब। मतलब कुल मिला के कहानी है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, मतलब ज़ीरो ट्रैवल हो गया था, जो जहाँ है वहीं पर रहेगा। लेकिन अभी का सीन वैसा नहीं है। अभी आप देख रहे हो, मतलब ऑटो भी चल रहा है, कैब भी चल रही है और नॉर्मल गाड़ी भी चल रही है। कमर्शियल गाड़ी में थोड़ी दिक्कत है, ऐसा भाई साहब बोल रहे हैं कि शायद वो आपसे पास मांग सकते हैं। लेकिन ऊबर ओला में अगर टैक्सी आपने की हुई है तो उसमें पास की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओ और घूम लो, अपने रिस्क पर जाना। मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि जाके घूम लो, तो अपने रिस्क पर पास पूछ सकते हैं वो, ठीक है। सफदरजंग का नाका आएगा, एक पीछे निकल गया है तो उन्होंने अभी तक तो रोका नहीं, मतलब किसी गाड़ी को, इसको नहीं, किसी भी गाड़ी को नहीं रोका उन्होंने। मोस्टली लोग नॉर्मल ट्रैवल कर ही रहे हैं। और संडे से भी थोड़ा इवनिंग का जो माहौल होता है ना, ये वोला माहौल लग रहा है। बेसिक जो चीज़ है ना, जो भी लॉकडाउन का जिसे नाम लिया जा रहा है, वो बेसिकली ये है कि सिर्फ मार्केट्स नहीं खुलेंगे, शॉप्स नहीं खुलेंगे, मॉल्स नहीं खुलेंगे। आसपास जो भी मार्केट है वो मोस्टली सारी सारी बंद रहेंगी। मार्केट में भी दिखाता हूँ, अगर रास्ते कोई मार्केट आती है ना, तो मार्केट सारी बंद है, मतलब पूरी मार्केट बंद है, कोई शॉप खुली नहीं है कहीं पे भी। ये है सफदरजंग हॉस्पिटल वाला, पुलिस नाका यहाँ पे लगा हुआ है। अब से रूल एप्लीकेबल हो गया कि साइड की साइड से इधर जाएगा सिर्फ एम्बुलेंस, और इधर भी तो अभी तक तो कोई है नहीं। और गाड़ी देख लो आप, मतलब यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, एक ही गाड़ी है, पर एक्चुअली में इधर बहुत गाड़ियाँ हैं। जो उस साइड वाली लेन आपको दिख रही है वो पूरी की पूरी बंद है, वो पूरी है सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस के लिए, जो कि दिल्ली में या फिर इंडिया में कम देखने को मिलता है कि कोई प्रॉपर लेन
एक लेन छोड़ रखी हो कि यहाँ से सिर्फ एम्बुलेंस निकलेगी, तो ये थोड़ा अच्छा लगा देख के। दो तीन गाड़ियों यहाँ से भाई हम जस्ट अभी अभी बचे हैं, पुलिस वाले गाड़ी रोक रहे थे लेकिन उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी नहीं, लक। तभी मैं कह रहा हूँ ऐसे बाहर मत निकलो भाई, मेरे को तो शो प्ले करके आना है तो जाना जरूरी है, वरना मैं तो दो डेढ़ महीने से बाहर नहीं आई, घर में ही बड़ा हूँ मैं, कुछ और है नहीं करने के लिए, पर आज इसे जाना जरूरी है क्योंकि शो करना है और पास एक दिन के लिए बनता नहीं है, है ना। मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर भी नहीं, आगे भी कोई नाका बोल गुरु जी या निकल के सारे एक पुलिस नाका और, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, चीजें हैं एक्चुअली में टाइट मामला क्या हुआ है, काफी हम जैसे लोगों के लिए।